चिल्लाते रहीं, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते रहीं और बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहें। आपसी विवाद में किसान मदन यादव की गोली मारकर की गई हत्या। घटनास्थल से 5 खोखा बरामद। 3 अभियुक्त हिरासत में, पूछताछ जारी। पतरघट थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात आपसी विवाद में चला 13 राउंड गोली। किसान के शरीर पर 5 गोली लगने से घटनास्थल पर किसान ने तोड़ा दम। पत्नी जान बचाने की लगाई गुहार, लेकिन दरिंदों ने नहीं किया रहम। मृतक की पहचान गोलमा पूर्वी पंचायत के ऊटी नवटोलिया वार्ड नंबर 15 निवासी मदन यादव 45 वर्षीय रूप में की गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एसडीपीओ सदर, पुलिस निरीक्षक सदर अंचल, थाना अध्यक्ष प्रभाकर भारती एवं सौर बाजार थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, पस्तपार थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सहित पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल प्रारंभ किया तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सहरसा भेजा गया। घटनास्थल पर पुलिस टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं एफएसएल और डॉग स्क्वाड बुलाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा घटनास्थल से 5 खोखा बरामद हुई है। हत्या की मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया हत्या की घटना भूमि विवाद के कारण होने की बात सामने आ रही है। दो पक्षों के बीच विगत 30 वर्षों से भूमि विवाद चला आ रहा है। हत्या की घटना में संलिप्त बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छापामारी के क्रम में अशोक यादव के घर से एक देसी कट्टा पुलिस की टीम ने बरामद की। घटना की हर पहलू पर जांच जारी है। शव घर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जुट गई। इस घटना से क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न होते हुए देखा जा रहा है। रात 11 बजे के लगभग एसएचओ पतरघट को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मदन यादव, जिनका घर ऊटी नपुलिया है, वो गंभीर रूप से जख्मी है और वहाँ पे घटनास्थल पर पहुंचे। उनको तुरंत जो है सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया और घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किया गया। उसके साथ ही एसडीपीओ सदर और डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के नेतृत्व में घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। एफएसएल और डॉग स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया और वैज्ञानिक तरीके से घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसी संबंध में 2 व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है और उसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया ये घटना जमीन विवाद से संबंधित लगता है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच में 30 साल से जमीन विवाद चल रहा था। सर, कितना खोखा बरामद हुआ? घटनास्थल से 5 खोखा बरामद हुआ। सर, बाकी अपराधी के लिए सर कितना जल्दी? बाकी अपराधी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है और बहुत जल्द हम लोग जो नामजद उसमें अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी करेंगे और जो घटना हुई है उसका जल्दी पर्दाफाश होगा। घटनास्थल को मुआयना किया। मुआयना करने के बाद फिर उस रात से लेकर अभी तक प्रशासन हमको बहुत मदद कर रही है। अच्छा, अभी तक प्रशासन यहाँ बैठे हुआ है। अच्छा, मृतक आपका कौन है? मेरा सगा भाई, हमसे छोटा। अगर पुलिस के आदमी को पकड़ी अभी तक? मैं हम भाई को पोस्टमार्टम कराने सहरसे में रात से लेकर अभी तक वहाँ है। कितना को पकड़ा नहीं पकड़ा मुझे अभी तक। क्या पुलिस को लिखित आवेदन दिए हैं? लिखित आवेदन पढ़ चुका है कि नहीं पढ़ा है मुझे ये भी पता नहीं है। मैं अपने आप को सेंस में नहीं हूँ।